प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जून 26 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, स्तुति कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु की। हम धन्यवाद करते रहे, स्तुति करते रहे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। हालेलुया, रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया, इस भाग्य के लिए, इस आशीष के लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। हमारा प्रभु अच्छा है, भला है, वो महान है, उनकी दया हमेशा की है। हालेलुया, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, जैसे कि संगीतकार भजन संहिता 86 के 8, 9, 10 में से कहते हैं कि हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। सब लोग अपने हाथों को उठाकर कहें कि परमेश्वर मेरा, तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। और 12वां वचन कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरी नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। सब लोग अपने हाथों को उठाकर कहे कि मेरे परमेश्वर ने, प्रभु, तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सभी आशीषों के लिए। धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपके सभी आशीषों के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपने हमें पिछले दिन और रात संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी सभी जरूरतों पर आपकी कृपा बने रहे। उनकी व्यक्तिगत तौर से जो भी जरूरतें हैं, उनके पारिवारिक जरूरतें जो है प्रभु, आप उसमें अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी महिमा उतर आए, जिस तरीके से काना के घर में प्रभु आपने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए प्रभु, वैसे ही अपने हमारे बच्चों के, आपके प्रभु बच्चों के जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हम चंगाई घोषित करते हैं। हर एक रोग की अवस्था बाहर निकल आए, जो कोविड से पीड़ित है उसमें से उनको चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। जो मानसिक तौर से, जो कमजोर हो गए मानसिक तौर से, जो परेशानी से है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक निराशा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं जिनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, पूर्ण तरीके से चंगाई उनको मिले। हालेलुया, जो भी सूजन है वो सब दूर हो जाए। हालेलुया, आमेन। उनके जॉइंट्स में जो दर्द है वो भी दूर हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, जो भी घटियों में या वात रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। जोड़ों में पूर्ण तरीके से चंगाई हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही जिनको भी थायराइड से जो भी रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। थायराइड की बीमारी से छुटकारा आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, हर एक दर्द से आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। थायराइड के कारण जो जिस तरीके से शरीर में जो
परेशानियां हैं, हर तरीके से जो भी रोग है, यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया, हर एक इम्बैलेंस दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद आपने जो अद्भुत कार्य किया है प्रभु। ब्लड शुगर लेवल यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर लेवल यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जिनको भी काम नहीं है, नौकरी नहीं है, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें पारिवारिक जीवन में, प्रभु आप उनको आशीषित करें। हालेलुया, आज दुनिया भर में जो भी आराधना स्तुति होती है सब जगह प्रभु आपकी प्रवृत्ति हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, हर एक सभायोग में आत्मा की बारिश हो, आत्मा की बड़ी भरपूरी हो प्रभु। सभी अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें, आपके हाथों में प्रभु इस्तेमाल होने वाले हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका नाम की महिमा हमारे बीच में होगी, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया परमेश्वर, आप सबको बहुत आज से आशीष दे, उनकी कृपा आपके साथ हमेशा बने रहे। और याद रखिए कल शाम को हमारा इंडियन समय 9:15 तक हमारा मीटिंग रहेगा, आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया, और हम उसमें प्रार्थना करेंगे, हम गवाहियां सुनेंगे, आप अपनी गवाहियां भेजेंगे तो हम जरूर एक साथ सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे और वचन से सीखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हमारे बीच में बड़े अद्भुत कार्य करेंगे, इसलिए बिना भूले आज के दिन हम प्रार्थना करें और दूसरों को भी आमंत्रित करें ताकि उनके जीवन में भी वो आशीष दिखे। हालेलुया, और आप सहभागिता बने ये रिवाइवल के, एक पार्टनर बने रिवाइवल के। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रार्थना करना है, दूसरों को बताना है। हालेलुया, और वो परमेश्वर का जो आशीष उसमें से जो आती है वो हमें मिलेगी। हालेलुया, आइए ध्यान देंगे वचन की ओर जो परमेश्वर ने आज हमें हमसे सिखाना चाहते हैं। हालेलुया, हमें ये सिखाते हैं भजन संहिता 19:12, उसमें ये लिखा गया है कि अपनी भूल चुक को कौन समझ सकता है। हालेलुया, ये वचन जब सीखते हैं तो पवित्र आत्मा जिस तरीके से पासवान को सिखाते हैं कि हम काफ़ी बार अपनी भूल चुक या अपनी जो गलतियां हैं, हम में जो कमज़ोरी है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, ना हम समझने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की कमी घटी बोलने में हमें बहुत जल्दी होती है, उनमें ऐसी कमी है, उनमें ऐसी भूल चुक होती है, ये सब हम बताने के लिए बहुत जल्द करते हैं। लेकिन हम कभी भी अपनी गलती या अपने में जो कमजोरी या भूल चुक है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। लेकिन आज वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, अपनी भूल चुक के बारे में हमें सोचना है और हमें ध्यान देना है कि हम कैसे पवित्र रह सकते हैं। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन से हमें ध्यान देना है। उसके लिए हम अगर वचन में, अगर लेखनों में हम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को पवित्रता में बढ़ाना है। वचन हमें सिखाता है कि हमें ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, ढा नहीं होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी से नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। ये सब वचन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम कैसे जान सकते हैं हमारे जीवन में कमी या घटी है। इसलिए हमें देखना है मेरे प्रिय लोग कि हमारे जीवन में किस तरीके की भूल चुक होती है। हम अपने जीवन में काफी बार परमेश्वर के आशीष को इसलिए नहीं अनुभव कर पाते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर के जो वचन है वो हम नहीं जानते हैं, हमें जो कमी या घटी क्या है वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई देते हैं तो हम जरा सीखें हम में जो कमी क्या है, हम में जो भूल चुक हमसे जो होती है वो शायद ठीक नहीं है, हमें लगता हुआ वो चलता है, वो हो जाए तो भी हो चलता है, हम ऐसे एक मनोभावना से हैं। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हम अपने भूल चुक को समझे और हमारे में जो गुप्त पाप जो है उसको हम समझकर उसमें से हम अपने आप को छुटकारा पाके पवित्र हो। हालेलुया, काफ़ी बार जो गुप्त चीज़ें जो होती है वो हमें भविष्य में परेशान करता है, वैसे ही हम में जो है छोटी या बड़ी जो गलती है, जो गुप्त पाप जो है उसको हमें अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए हम कोशिश करें और इच्छा रखें। हालेलुया, तो हम बहुत ही अपने जीवन को धन्य पाएंगे।
हालेलुया परमेश्वर के आशीष को हम पा सकते हैं। हालेलुया, जैसे इब्रानियों के वचन में हम पढ़ते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा ध्यान दें कि हम पाप से दूर भागे। हालेलुया, हम उसके करीब बिल्कुल ना आए। इसलिए हम सारा प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मुझे बताएं जो मैं जान के या ना जान के मुझ में कोई भी पाप या कोई भी गलती हुई है, मेरे में ऐसी कोई भी बात है जो आपको दर्द देता है या आपको दुख देता है, तो आप मुझे बताएं। हालेलुया, आप मुझे बचाएं प्रभु। हालेलुया, जैसे कि वचन भी कहते हैं कि मुझ में कोई पाप ना हो, लेकिन मुझ में पाप कभी भी राज ना करे, लेकिन परमेश्वर आप राज करें। हालेलुया, आमेन। इसलिए हम ध्यान दें कि हम अपने जीवन को बहुत ही पवित्रता से बढ़ाएं। जैसे कि 14 वचन कहता है कि मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया, हमेशा हम ध्यान दें, हमारे हृदय में जो सोच होती है वही हमारे मुंह से बाहर आती है। अगर हमारा दिल जो है वो शुद्ध है तो हमारे मुंह से कभी भी गलत चीजें नहीं निकलती। इसलिए हम अपने हृदय का जो ध्यान, हमारे मुंह के जो वचने हैं वो हमेशा पवित्र रहने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों समर्पित करें और हम पूछें कि मुझ में क्या गलती है। परमेश्वर आप मुझे दिखाए, मुझ में जो गुप्त पाप है वो मुझे दिखाए, ताकि उसमें से मुझे छुटकारा मिले, मुझे आप शुद्ध करें। हालेलुया, और परमेश्वर के आशीष को मैं अनुभव कर सकूं। तो इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पित करें और मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।